हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है तारीख दोस्तों 20 अप्रैल 2023। आज दोस्तों 20 अप्रैल 2023 की दोस्तों डेली की अपडेट्स की दोस्तों बात करेंगे। शाम के बज रहे हैं, शाम के 6:15 का समय हो रहा है और हमारा दोस्तों वही टाइटल फटाफट रिविजन। समय को दोस्तों कम से कम व्यर्थ करना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों मुख्य इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों आप लोग चैनल पर तो आ रहे हो बट दोस्तों वीडियो भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके सब्सक्राइब से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं दोस्तों बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स लाने की दोस्तों पूरी कोशिश करता हूं। तो हम बढ़ते हैं आज के अपनी कंफ्रेंस की और जो हमारी कंफ्रेंस आज की क्या कहती है, ठीक है। तो पहले कंफ्रेंस की दोस्तों बात करते हैं। हाल ही में किसे मेलकॉम आदेशेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन सा दोस्तों? मेलकॉम आदेशेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्सव पटनायक जी को दोस्तों हाल ही में मेलकॉम आदेशेशिया पुरस्कार 2023 से तो सम्मानित किया गया है। उत्सा पटनायक जी को दोस्तों, किसको? उत्सा पटनायक जी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्ति किया? तो चंद्रशेखर राव के दोस्तों कर्नाटक बैंक ने दोस्तों हाल ही में इनकी अंतिम रूप में नियुक्ति की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारी क्या कहती है? किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में, किस राज्य सरकार ने दोस्तों अपने सभी सरकारी भागों में 100% कितना दोस्तों 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को रखने का दोस्तों लक्ष्य रखा हुआ है? तो दोस्तों कौन सा आपको पता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों अभी हाल ही में अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का दोस्तों लक्ष्य रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि 100% लक्ष्य है इसलिए एग्जाम में आ सकती है। तमांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया? तो पेमा खाडू ने। किस दोस्तों? पेमा खाडू ने हाल ही में तमांग में नए मठ का दोस्तों उद्घाटन किया है। जो पेमा खाडू जी है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाडू जी ने तमांग में नए मठ का दोस्तों उद्घाटन करने का अपना विचार बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को। किसको दोस्तों? जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जी को दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी दोस्तों नियुक्ति हुई है। इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कौन सा दोस्तों? हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 18 अप्रैल को। कब दोस्तों? 18 अप्रैल को दोस्तों। 18 अप्रैल को दोस्तों हाल ही में विश्व विरासत दिवस दोस्तों मनाया गया। कब मनाया गया? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। एग्जाम में आ सकता है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई? तो लखनऊ में और दोस्तों हरदोई में, दो जिलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है। पहला लखनऊ में, दूसरा हरदोई में। कहां पे दोस्तों? पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? भारत। भारत देश दोस्तों वित्तीय ढांचे से, कैसे दोस्तों? वित्तीय ढांचे सुधार के लिए राष्ट्रमंडल समूह की दोस्तों अध्यक्षता करने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के हमारे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स से नामित किया गया है? दोस्तों कैसे किया गया? नीली वेदा पूड़ी को। नीली वेदा पूड़ी को दोस्तों यूएस इंडिया टास्क फोर्स दोस्तों सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहां एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का दोस्तों आयोजन करेगा? तो मुंबई में। कहां पे करेगा दोस्तों? मुंबई में। भारत मुंबई में दोस्तों भारत इस्पात 2023 का आयोजन होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा दोस्तों? गोल्ड कॉइन। स्वर्ण पदक दोस्तों जीता हुआ है नित्या ने ब्राजील के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पे दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों एप्पल ने अपना, एप्पल जो फोन आता है, मैकबुक आते हैं, उन सब चीजों का एप्पल ने अपना भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया हुआ है। कहां पे? मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बनाया? दोस्तों सीरिया। कौन दोस्तों? सीरिया देश दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का नार्को टेस्ट स्टेट बना हुआ है। नार्को स्टेट दोस्तों कौन सा देश बना हुआ है? सीरिया, ठीक है, याद रखिएगा, सीरिया, सीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने बेंगलुरु में व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो टोयोटा ने। किस दोस्तों? टोयोटा कंपनी ने दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु में व्हील्स ऑन वेब दोस्तों प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। टोयोटा कंपनी की बात करें तो ये जापानी कंपनी है। कहां की दोस्तों? जापान की कंपनी है टोयोटा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों, पर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने गर्मियों से पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट दोस्तों अपनाया है? तो केरल सरकार ने, दोस्तों केरल सरकार ने दोस्तों गर्मी के समय में जल की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार दोस्तों जल बजट को अपनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के जन्म में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट कंप्यूटर ने वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।